जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली में आज सपा के जिला अध्यक्ष और उनके चार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में एक 11 माह के बच्चे की घर के बाहर खेलते समय नाले में गिरने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खां और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता पीड़ित के घर पहुंचे थे और मासूम के पिता को संतावना दी थी, जिसके बाद सपा के जिला अध्यक्ष पीड़ित को लेकर चंदोसी कोतवाली में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दिलवाई थी, जिसके बाद कोतवाली में बातचीत के लिए पहुंचे अधिशासी अधिकारी से सपा जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की थी, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी राजकुमार ने आज कोतवाली में पहुंचकर अपने साथ अभद्रता करने वाले सपा के जिला अध्यक्ष फिरोज खां, आमिर खान और उनके तीन अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जिसके बाद चंदोसी कोतवाली में सपा जिला अध्यक्ष और उनके चार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 147, 149 और 506 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये आपने FIR कराई है, क्या है मामला? परसों की घटना को लेकर लक्ष्मण का मौका मारना किया गया, उसी समय ये लोग आए और कौन लोग आए? सपा जिलाध्यक्ष और उनके साथ और भी लोग थे। फिर ये हमें लगा कि नहीं, मुझे लगा जैसे अपराधी की तरह जो है बात उनके द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैंने इस चीज़ को कहा भी कि कोई मैं अपराधी तो हूँ नहीं और मैं उसी काम के लिए आया हूँ और कुछ पीड़ित इस बच्चे के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, मौके पर मैं जाना चाहता हूँ। तो जो वो घटना हुई थाने पे, उसी को लेके मैंने जो है उसी समय एक तहरीर दी थी, जिसका पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। तो कितने लोगों के खिलाफ आपने FIR कराई है? ठीक है, तो ये अभी एक तो उनको मैं जानता ही हूँ और उनके साथ अन्य लोग जो थे वो काम चले गए, था कि एहसास है। अरे 15 मिनट के लिए और FIR के लिए तो तहरीर मैंने दिया ही, साथ ही साथ इस समस्या का समाधान कैसे बेहतर तरीके से हो पाए इसके लिए SDM साहब की अध्यक्षता में आज एक बैठक भी हुई, जिसमें रेलवे विभाग के अधिकारी थे, BDO साहब के यहाँ से आए हुए थे और सारे अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और मौका मुआयना किया गया कि फौरी तौर पर क्या राहत दिया जा सकता है और इसके स्थायी समाधान क्या हो। तो इसकी सारी रिपोर्ट बना के SDM साहब को मैं सौंपूंगा और स्थायी उस पर कोई समाधान जो है सर, क्या पूरा मामला है? ये समाजवादी नेता फिरोज खां जो जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी उसमें उसका प्रतिवाद करने आए थे, इसमें उन्होंने नगर पालिका जो EO है उसने बताया कि उसके साथ बदतमीजी की, उसको थ्रेटनिंग किया और उसके साथ मिसबिहेव किया, उसने तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी ऐसे